जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल में। देखिए तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग को 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री और इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी कि इस क्वेश्चन में LHS इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1। तो देखिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए तीन फार्मूला यूज किया जाता है। 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, और एक और फार्मूला है 10 थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेट करना पड़ता है कि वैसा नंबर को सेट करना है जो दो नंबर को अगर ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 90 है, तो दो नंबर कौन कौन सा नंबर को ले जो 90 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो नंबर को ऐड करने के बाद 90 आ जा रहा है, यानी कि 1048 और इंटू 1042 डिग्री। ठीक है, और इंटू 1023 को इधर लिखेंगे और 1067 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया है ना। अब देखिए हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे, मान लीजिए दो पार्ट्स में अलग अलग है ना, इसको भी जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में कर दिए। अब किसी एक को हमको क्या करना है, चेंज कर देना है, यानी कि इस फॉर्म में 1090 माइनस थीटा के फॉर्म में या कोट 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो अब यहाँ 10 है तो 10 के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, 10 हम इसको चेंज करें 10। अब 90 में क्या घटाएंगे जो 48 आएगा, तो 42 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, देखिए 10 में से 2 8 और यहाँ पे 8 में से 4 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग सेम का सेम लिखते हैं 1042 डिग्री। अब इन टू यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, 1023 को रहने देते हैं और यहाँ पे इसको चेंज करते हैं 1090। यहाँ में से क्या घटा है जो ये पे ये आ जाए 23 है ना, नहीं 67, तो 23 को घटाएंगे है ना। अब देखिए 1090 माइनस थीटा क्या, एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट लिखेंगे। अब देखिए थीटा के जगह पे क्या है 42, तो 42 इंटू 1042 डिग्री। ठीक ओके, अब इंटू अब यहाँ पे देखिए 1023 तो रहेगा ही, एक फार्मूला क्या बताए थे आप लोग, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट, तो यहाँ पे कॉट और कितना है थीटा के जगह पे 23। ओके समझ में आ रहा है आप लोगों को है ना। तो देखिए अब हम बताएं फॉर्मूला कि जब ये थीटा सेम रहेगा, यानी कि ये जो थीटा है वो सेम रहेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो 1। अब इंटू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, जब थीटा सेम तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो LHS लेके चले और क्या ले आए हम RHS, तो आप लोग समझ गए होंगे।